हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे आपको साइंस के टॉप 25 यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पेपर में केवल 10 मार्क्स के पूछे आती है साइंस, 10 क्वेश्चन आते हैं। और जो साइंस आपके आती है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों की मिशन से आती है, तो मैंने तीनों की मिशन से 25 क्वेश्चन लिए और पूरे सेट क्वेश्चन भी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी देख लेंगे क्वेश्चनों को। एक न्यूमेरिकल कम से कम आ भी जाता है कभी कदार, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। चलो भाई, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। देखो भाई, तो राइट ऑप्शन की बात है, यहाँ पे आपका बी पार्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन, बुध व शुक्र। बुध की खासियत आपको बताते हैं, सबसे पहले बुध की खासियत क्या होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध होता है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बुध के बन गए। अब यहाँ पे बात करते हैं शुक्र, शुक्र से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा, और कह सकते हो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी आपकी शुक्र होती है, ठीक है। यहाँ से चार क्वेश्चन बन गए आपके शुक्र के, ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन और, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह आपका शुक्र होता है, ये पांचों क्वेश्चन बन गया, ठीक है। पांच क्वेश्चन शुक्र के बन गए, दो क्वेश्चन इसके, सात एक आठवां ये क्वेश्चन बन गया। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन से मैंने आठ क्वेश्चन बना लिए, तो ध्यान से समझते रहिएगा। मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह होता है, शनि ग्रह ऐसा होता है जिनके चारों ओर वलय लगे होते हैं, जिस ग्रह के चारों ओर वलय या छल्लेदार ऐसे लगे होते हैं तो शनि ग्रह होता है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है, भारी ग्रह भी होता है, ठीक है, उसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। जल है जो H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो जल में जल होता है जो, ठीक है, उसमें जो अणु होते हैं परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी, उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। काफ़ी लोग गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सही आप लोग याद कर लीजिएगा, उपसंयोजी होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट के लिए अवतल लेंस होता है, कहाँ पे अवतल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बताइए, मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए, और दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है, उसको हाइपरमेट्रोमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मायोपिया भी कह देते हैं, निकट दृष्टि दोष को मेट्रोपिया, ठीक है, मेट्रोपिया कह देते हैं। चलो, तो अब इसमें दिया क्या है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है, क्योंकि इसका रीजन क्या, 17 नंबर प्रश्न है, तो इसमें जल का कथनांक बहुत ज़्यादा होता है कुकर के अंदर, मतलब जो जल का कथनांक कम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो जल्दी से पक जाता है, इसका रीजन बस यही है। अब अगला दिया, न्यूटन की जो गति का जो प्रथम नियम है वो क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका क्या है, जड़त्व का नियम है या विराम का नियम कह सकते हो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम या विराम का नियम है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से, ध्यान से देखिएगा। कैथोड किरणों पर आवेश होता है, कैथोड किरणों पर आवेश होता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 19 नंबर का बी ऑप्शन ऋणात्मक होता है। कैथोड किरणों पर जो आवेश होता है वो माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, सिंपल सा है, वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट। यहाँ पे दिया, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन आपका सत्य है, 21 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका बी ऑप्शन, जिसमें क्या कि प्रतिरोध होता है जो वो अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, और गलनांक होता है जो आपका वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्यूज तार के लिए क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है और गलनांक कम होता है, ठीक है। अब 22 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सी गणना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती, ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो देखते हैं जरा राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। तो विवर्तन हो सकता है, परिवर्तन व्यतिकरण हो सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं हो सकता है। 22 का ए पार्ट, ध्वनि में धारा और ध्रुवण में धा टाइप का आ रहा है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं हो सकता, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। और ध्वनि तरंगें अंधेर होती हैं, अंधेर में भी आधा धा टाइप का आता है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ध्वनि अंधेर होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, ध्वनि अंधेर तरंगें होती हैं, तो याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, 23 नंबर प्रश्न, इसका जो बी ऑप्शन, हेनरी बेकरल ने की थी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा, डायमंड कह सकते हो जिसको, ठीक है। अब पीतल जो होता है ब्रांश, किस धातुओं से बना होता है, जो पीतल लिख के आ सकता है, ब्रांस लिख के आ सकता है इंग्लिश में, तो पीतल आपका किन धातुओं से बना होता है, तो तांबा व जस्ता से, पीतल होता है तांबा व जस्ता से बना रहता है, तांबा व जस्ता से बना होता है। चलो भाई, 25 क्वेश्चन कराएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा केवल, ठीक है। गन पाउडर में क्या होता है, चलो भाई अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा 25 में आपका स्कोर कितना आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक मिनट।
चलो भाई, तो अब यहाँ दिया गन पाउडर में होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, गन पाउडर में KNO3, चारकोल और गंधक होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, तो जो आपका सोयाबीन होता है वो प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला दिया है सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ समय पहले ही एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। तो आप लोग जान गए होंगे, अपवर्तन कह सकते हो, अपवर्तन, ठीक है। तो 15 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट वैसे बनेगा। अगला दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर बाप में बदला जाता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, बताइए। 16 नंबर का डी ऑप्शन, ठीक है, 2257 जूल। अगला दिया, चलो यह तो हो गया। अगला दिया गया यहाँ पे एक ग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पारा रखा जाता है, जार के पानी में एक कार्क को ढकेल दिया जाता है तो फिर छोड़ दिया जाता है, कार्क का क्या होगा। देखो तो इसमें क्या होता है, कार्क क्या होता है, जार की दीवार से चिपक जाता है। फिर अगला दिया गया यहाँ पे देख, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। किसी दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वो अपवर्तन होता है। रात में तारे टिमटिमाने का जो कारण होता है दोस्तों, वो आपका अपवर्तन। चलो भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, जो रॉकेट होता है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट आपका रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम पर कार्य करता है। याद कर लीजिएगा, रॉकेट हो जो रेखीय संवेग पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा, पहले की अपेक्षा में बढ़ जाता है, इसे ले जाएं, कहाँ ले जाएं। देखो, विषुव रेखा से जब ध्रुवों को ओर ले जाते हैं, ध्रुव मतलब पोल्स पर ले जाते हैं जब, तो उसका जो मान है, वस्तु का भार है, अधिक हो जाता है पहले की अपेक्षा में, या बढ़ जाता है कह सकते हो, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों आपका बन जाएगा, और इसका डी ऑप्शन था, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट रुक जाइएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड से रीजनिंग इंग्लिश मैथ साइंस किसी का जीके किसी का भी अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए, कमेंट में आप लोग बता देना, कमेंट में सीधे आपको लिंक मिल जाएगी, प्ले लिस्ट आप लोग बता दीजिए किसकी चाहिए, सब्जेक्ट आप बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।